क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ब्रह्मांड बसा है, कई ट्रिलियन सेल्स हैं और एक एक सेल का अपना खुद का माइंड है। एवरी सेल ऑफ योर बॉडी हैज द माइंड ऑफ इट्स ओन, और उसको कंट्रोल करता है तुम्हारा माइंड। दैट्स ए सुपर कंप्यूटर। जैसे कंप्यूटर में होता है ना, देयर इज ए मास्टर कंप्यूटर, और रेलवे बुकिंग या कहीं पर जाओ तो बाकी उसके साथ और इंडिविजुअल कंप्यूटर्स। उसी तरीके से जो तुम्हारा मन है, जो तुम पांच इंद्रियों से देख रहे हो, वो एक सुपर कंप्यूटर है। और तुम्हारे शरीर का एक एक सेल, देयर आर मैनी ट्रिलियन सेल्स, कोई बोलते हैं 36 ट्रिलियन, मैं उसको भी कैसे कह सकता हूँ, कोई बोलते हैं 50 ट्रिलियन, मैं तो गिन ही नहीं सकता। पहली बात तो इस जीवन में गिनती नहीं गिन सकता, दूसरी इतने सेल्स मैं पकड़ भी नहीं सकता, तो मुझे तो मानना ही पड़ेगा। बट देर आर असंख्य, और हर सेल का इट हैज ए माइंड ऑफ इट्स ओन, ये तो पक्का पता है। तो वो अगर मेरे अंदर एक बैलेंस है, एक हार्मनी है मेरी लाइफ के अंदर, मेरी सोच में, तो वो जितने सेल्स हैं उनको मैंने हार्मोनाइज कंट्रोल कर रखा है। लेकिन अगर मेरे जीवन में बवंडर आ गया, मेरे जीवन में दुख आ गया, मेरे जीवन में हाय तोबा आ गई, तो वो कुछ सेल्स मेरे शरीर के रिवोल्ट कर जाएंगे। दे विल वाइब्रेट एट ए डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, माई होल बॉडी विल वाइब्रेट एट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, एंड डिसोनेंस इन सेलुलर बिहेवियर इज कैंसर। यू अंडरस्टैंड, डिसोनेंस इन द सेलुलर बिहेवियर इज कैंसर, एंड व्हाट आई हैव टू क्रिएट इज अ हार्मनी। हार्मनी मीन्स एकदम पूरा शांत चित्त मुझे होने का अभ्यास करना होगा। तो एक लेवल तक वाइब्रेट मनुष्य करता है अपने बिलीफ सिस्टम के कारण, अपने अहंकार के कारण, और जैसे जैसे उस भय को छोड़ते जाओगे, जैसे जैसे उस अहंकार को छोड़ते जाओगे साधना करते हुए, वैसे वैसे तुम्हारी चेतना ऊपर उठते उठते उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ एक हो जाएगी। जो तीन अवस्थाएं हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुप्त अवस्था, ये तीन अवस्थाएं तुमने हमेशा एक्सपीरियंस की है। द अवेकनिंग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, द स्लीपिंग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड द ड्रीमिंग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। लेकिन जैसे जैसे तुम ऊपर उठते हो, देर इज ए फोर्थ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसको हम कहते हैं तुरिया अवस्था। जब कभी भी तुम ध्यान में शिव योग का ध्यान करते हो, तुम तुरिया अवस्था में प्रवेश करते हो, वो तुरिया अवस्था। और जब बार बार ध्यान करते हो, और वो अज्ञानता का जो ज्ञान है, वो जो कर्म की परतें हैं, जैसे जैसे वो साफ होती है, कारण शरीर शुद्ध होता है, और कारण शरीर और महाकारण जैसे जैसे शुद्ध होंगे, वो उसके साथ मर्ज कर जाएगा। द मोमेंट द कारण शरीर becomes so pure that it vibrates to the frequency of महाकारण शरीर, उसके साथ वो मर्ज हो जाता है, तो वो तुरिया अवस्था जो है, तुरिया तीत हो जाती है। योगस्थ कुरु कर्माणी, हमेशा योग की स्थिति में रहना हे अर्जुन। योग की स्थिति वो जो सच्चित आनंद जो मैं हूँ, मुझे हमेशा उसके साथ रहना।